वेलकम टू स्टोन डिक्टेशन। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। फ्रेंड्स, मैंने कल आपसे कहा था कि मैं इडियम्स और वर्ड मीनिंग का जो है वीडियो लगाऊंगा, और आज देखिए उस सीरीज़ में आज पहला वीडियो है। एडिटोरियल के जो वर्ड मीनिंग है वो एक अलग है, वो डेली मॉर्निंग में मैं कोशिश करूँगा दे दूँ, और ये जो है ये दूसरा सीरीज़ है, इसी में ये पहला वीडियो है। ये स्टोनोग्राफर और किसी भी SSC एग्ज़ाम के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। और आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि कोई वीडियो मिस ना हो, और मैं ये सीरीज़ डेली अपलोड करूंगा। और 10-10 वीडियो, 10-10 वर्ड मीनिंग रहेंगे, 10 वर्ड मीनिंग, 10 इडियम्स, ताकि आपके एग्ज़ाम आने तक, जैसा कि मई में एग्ज़ाम है स्टोनोग्राफर का, उसके पहले आपके काफ़ी वर्ड मीनिंग तैयार हो जाएंगे, इडियम्स तैयार हो जाएंगे, मोर देन इनफ हो जाएंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और आप अगर सिर्फ और सिर्फ इस पर डिपेंड रहते हैं तो भी ये सफिशियंट होगा, मगर आप अपनी तरफ से भी पढ़ते ही रहेंगे, कहीं किताब में, कहीं कुछ और न्यूज़पेपर से, कहीं से भी आपको मिलता है, उसका जो नया आया उसको नोट डाउन करके कॉपी में रखिए। इसके लिए भी कॉपी आप बना लीजिए अगर पहले से नहीं है तो, और इसको नोट डाउन करिए और इसको रिवाइज़ करिए, क्योंकि इसमें जो भी इडियम्स या वर्ड मीनिंग है वो इम्पॉर्टेंट ही हैं, जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं, आए हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला वीडियो। ये सीरीज़ में पहला जो वर्ड है एडामेंट, इसका मतलब होता है, जैसे इसमें दिया है हार्ड, इनफ्लेक्सिबल, स्टबबॉर्न। एडमेंट मतलब कि जो चीज़ बदले नए, इनफ्लेक्सिबल हो, अटल, जिद्दी। स्टबबॉर्न मीन्स जिद्दी होता है। एडमेंट का ही एक सिनोनिम में स्टबबॉर्न भी आता है। एडमेंट कोई अगर चीज़ है जो बदलती नहीं, कोई इंसान है जो किसी चीज़ के प्रति अपना कोई व्यू है वो नहीं बदलता है, कोई बात नहीं बदलता है, तो वो अटल जैसा है, तो एडमेंट मतलब वो होता है। सेकेंड मीनिंग वर्ड जो है एडवर्स, अनफेवरेबल, हॉस्टाइल, जो एडवर्स कंडीशन होती है, जैसे कि एडवर्स कंडीशन जो हमारे लिए सही नहीं है, प्रतिकूल है, अनुकूल जो सही होता है, फेवरेबल, लेकिन प्रतिकूल जो अनफेवरेबल है जो कंडीशन, उसको एडवर्स कहते हैं। कोई भी चीज़ हेल्थ के लिए एडवर्स होती है तो वो चीज़ यहाँ एडवर्स। थर्ड है एले, एले मीन्स किसी चीज़ को कम करना, शांत करना, टू काम, पैसिफाई, कोई गुस्सा है उसको एले करना, कम करना, शांत करना किसी चीज़ को, ये हो गया। फोर्थ है एकॉर्ड, एकॉर्ड मीन्स ज़्यादातर ये जो एकॉर्ड वर्ड यूज़ होता है वो एग्रीमेंट या किसी दो लोग के बीच में, दो देशों के बीच में इसमें जो सहमति होती है, कोई एग्रीमेंट हो गया उस पर सहमति हो गई, कोई द्विपक्षीय वार्ता जो होती है खास करके उसमें ये शब्द यूज़ होता है। आप देखेंगे न्यूज़पेपर में या न्यूज़ हेडलाइंस में, वहाँ एकॉर्ड शब्द का इस्तेमाल होता है। फिफ्थ है एडल्टरेट, मतलब मिलावट करना, उसको इम्प्योर बनाना, किसी चीज़ में मिलावटखोरी करना, उसको एडल्टरेट करते हैं, तो उसको ख़राब करना, मेक इम्प्योर। सिक्स्थ है एजिलिटी, निम्बलनेस, एलैक्रिटी, फुर्ती, तत्परता। एलैक्रिटी मतलब होती है तत्परता, निम्बलनेस मीन्स भी वही फुर्तीला, जो मीन्स बहुत जिसके अंदर फुर्ती हो, और ये एजिलिटी मतलब तुरंत एक्शन लेने वाला, मत वो चीज़। सेवन्थ है एडमोनिश, एडमोनिश वार्न करना, रिप्रूव करना, जैसे क्लास में कोई बातचीत करता है तो टीचर डांटते हैं, या घर में कोई बच्चा शरारत करता है तो उसको भी डांटा जाता है, तो ऐसे भी, या कहीं कोई कुछ गलत करता है तो उसको डांटते हैं, चेतावनी देते हैं, तो उसको कहते हैं एडमोनिश। एर्थ है एसॉज, ये भी एक तरह से देखेंगे आप, ये जो अभी ऊपर मैंने मीनिंग बताया एल ए, टू काम, पैसिफाई, उसी का एक तरह से सिनोनिम में आता है एसॉज। ये इसका मतलब भी वही है, एज, लेसन, एलिवेट, किसी चीज़ को कम करना, कोई चीज़ को कम करना, एलिवेट करना, कम, शांत करना, ये। नाइन्थ है एल्ट्रुइज्म, जो एल्ट्रुइस्टिक पर्सन होता है, जो बिना किसी सेल्फिश इंटेंशन के किसी की हेल्प करता है किसी भी तरीके से, तो उसको एल्ट्रुइस्टिक पर्सन कहते हैं। एल्ट्रुइज्म उस क्वालिटी को कहते हैं, परोपकारिता जैसे है, कि बिना किसी मीन्स इन रिटर्न के किसी को अगर हेल्प करता है तो उसको ये कहते हैं। टेंथ है अमास, मतलब कलेक्ट करना, इकट्ठा करना, अमास, मास मीन्स जानते हैं किसी चीज़ का बल्क, तो अमास उसी से आप रिलेट करके याद कर सकते हैं इसको, टू कलेक्ट, इकट्ठा करना। चलिए 10 वर्ड मीनिंग हो गए, अब ऐसे ही 10 कल वर्ड मीनिंग होंगे। अब चलते हैं 10 इडियम और फ्रेज जो हैं उस पर, जो इम्पॉर्टेंट इडियम फ्रेज हैं उस पर चलते हैं। तो पहला है स्वीपिंग स्टेटमेंट, इसका मतलब थॉटलेट स्टेटमेंट। स्वीपिंग स्टेटमेंट कहने का मतलब है कि बिना सोचे समझे ऐसे कुछ अगर कह दिया गया तो उसको स्वीपिंग स्टेटमेंट कहते हैं। थॉटलेस स्टेटमेंट, बिना सोचे समझे कुछ कह देना उसको। ऑल एट सी, ऑल एट सी मतलब पजल्ड, कन्फ्यूज्ड, जैसे कि अगर आप सी देखें तो इतना बड़ा होता है, समझ नहीं आता किधर क्या है, किधर शुरू है, किधर ख़त्म है, तो
तो वो एक ऐसा स्टेट है कि मतलब हम समझ नहीं पाएंगे, तो उससे आप रिलेट करके याद कर सकते हैं, ऑल एट सी मतलब पजल्ड कन्फ्यूज। थर्ड है एनफ रोप, मीन्स एनफ फ्रीडम फॉर एक्शन। इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं जैसे कि अगर कोई पतंग उड़ाता है तो अगर रस्सी उसकी जो धागा वो अगर पूरा है भरपूर है तो उसके पास पूरी फ्रीडम होगी, उसको उड़ा सके जितना छोड़ना चाहे छोड़ सके। तो इस तरह से आप रिलेट कर सकते हैं एनफ रोप मतलब एनफ फ्रीडम फॉर एक्शन, पूरी छूट है अगर कोई एक्शन लेना है कोई काम करना है तो उसके लिए पूरी आज़ादी है, एनफ रोप मतलब ये होगा। फोर्थ है भाई फिट्स एंड स्टार्ट, मतलब इरेगुलरली जो निरंतर ना हो, फिट्स एंड स्टार्ट। जैसे बाइक स्टार्ट करते हैं तो स्टार्ट नहीं होती है, उस तरीके से इसको आप वहाँ से रिलेट कर सकते हैं फिट्स एंड स्टार्ट जो इरेगुलर हो। फिफ्थ है फेल फाउल ऑफ, गॉट इन टू ट्रबल विथ, अगर कोई परेशानी में आ जाते हैं किसी परेशानी, तो उसका यहाँ मतलब हुआ फेल फॉल ऑफ मतलब यही हुआ कि किसी परेशानी में आ जाना। सिक्स्थ है टोकन स्ट्राइक, शॉर्ट स्ट्राइक हेल्ड एज वार्निंग, मतलब कोई बात है जिसको वार्निंग के तौर पे कही जा रही है। सातवां है फेस द म्यूजिक, ये देखिए बहुत कॉमन ये इडियम है, ये अक्सर एग्ज़ाम में आता है, मैं कई एग्ज़ाम में देख चुका हूँ ये फेस द म्यूजिक। इसका मतलब होता है गेट रिप्रीमेंडेड, रिप्रीमेंड मतलब होता है फटकारना डांटना, रिप्रीमेंड तो वह फेस द म्यूजिक। जैसे कि स्कूल में अगर कोई टीचर किसी को डांटता है, तीन चार बच्चे बदमाशी करते हैं शरारत करते हैं, लेकिन कोई एक ही को डांट अगर पड़ती है, ऐसे किसी को भी डांट पड़ती है, तो वो फेस द म्यूजिक आप इसको इस तरह से रिलेट करके पढ़ सकते हैं याद कर सकते हैं। गेट रिप्रीमेंडेड मतलब फेस द म्यूजिक मतलब डांट सुनना, स्कोल्डिंग सुनना, कोई डांटता कोई फटकारता तो वो चीज़, तो यहाँ फेस द म्यूजिक मतलब ये हुआ। एट्थ है लुक डाउन अपॉन, हेट इंटेंसली, बहुत घृणा करना बहुत ईर्ष्या करना किसी से, जैसे कोई अगर होता है जिसको पसंद नहीं करते तो ऊपर से नीचे हम लोग देखते हैं अगर कोई दूर, तो इस तरह से इसको आप रिलेट कर सकते हैं लुक डाउन अपॉन ऊपर से नीचे देखना। तो यहाँ से ये आप रिलेट करके अगर पढ़ते हैं तो ईजिली आपको याद होगा, इसलिए मैं आपको ये सब बता रहा हूँ ताकि याद रहे ईजिली। नाइन्थ है फ्लॉगिंग अ डेड हॉर्स, फ्लॉगिंग मतलब मारना पीटना, किसी मरे हुए घोड़े को मारेंगे तो क्या ही होगा, तो इसका मतलब ये होगा कि वेस्टिंग टाइम इन यूजलेस एफर्ट। फ्लॉगिंग अ डेड हॉर्स मतलब कोई अपना जो एफर्ट है टाइम है उसको बेकार के काम में हम ज़ाया करें, अब जो काम का कोई मतलब नहीं है कोई फ्रूट नहीं उसका नहीं मिलने वाला है उसमें अगर अपना टाइम ज़ाया करते हैं तो उसको यहाँ कहेंगे फ्लॉगिंग अ डेड हॉर्स। और जो लास्ट है आज के सीरीज़ में अंडर अ क्लाउड, अंडर क्लाउड मतलब अंडर सस्पिशन, इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं जैसे कि बादल लगे होते हैं बारिश होगी नहीं होगी होगी, तो वो एक रहता है कि दोनों कंडीशन है 50-50, तो उस तरीके से अंडर अ क्लाउड यहाँ से आप रिलेट कर सकते हैं। तो अंडर क्लाउड मतलब अंडर सस्पिशन, संदेह है कोई चीज़। तो चलिए आज का ये वीडियो ही ख़त्म करते हैं, ज़्यादा लंबा ना हो। अब देखिए 20 हो गए, 10 वर्ड मीनिंग 10 idiom, अब इसको कहीं नोट डाउन करें डेली कॉपी में, और जैसा कल मैंने कहा था कि वर्ड मीनिंग याद करने के लिए वैसा ही आज भी मैं कहूँगा कि इसको आप डेली का डेली रिवाइज़ किया करें और डेली एक नज़र इसको देख लिया करें तो वो दिमाग में बैठ जाएगा धीरे धीरे। और जैसे मैं ये idioms के लिए मैं बताता रहूँगा कि इजी तरीके से कैसे आप उसको रिलेट करके याद कर सकते हैं, जैसे मैं याद क्या करता था अब मुझे ये सब याद हो जाता है आसानी से, तो आपको भी बहुत आसानी होगी याद करने में। तो आप किसी भी तरीके से आप अपना भी कुछ बना सकते हैं उसके थ्रू याद कर सकते हैं, वर्ड्स को भी वर्ड मीनिंग को भी idioms को भी। चलिए आज के लिए इतना ही, अब कल मिलते हैं, थैंक यू।